प्लेट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपने मेरे व्लॉग्स पसंद किए वो यहाँ के किए हैं, बाहर के, बाहर सेक्शन के, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब में अपना काम कर रहा हूँ। तो आज का व्लॉग भी इसी से रिलेटेड है और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा किचन के अंदर जो पीक टाइम होता है, रश टाइम होता है, काम का टाइम होता है, जब काम तेज़ होता है उस टाइम किचन की सिचुएशन क्या होती है। तो आज का व्लॉग इसी से रिलेटेड है, आज का व्लॉग मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं आप पीछे में टॉर्च चाहिए, टॉर्च तो लगा देगा, तो बड़ा है यूट्यूब चैनल पे। शाबाश
शेफ साहब जी सर किधर चला गया? डायरेक्ट हरियू भी चला गया भाई। चल ये देखते हैं किधर जाती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, फिर आपको ये बोटी मिलेगी एक पूरी पूरी। अहमद भाई किस चीज की बोटी है ये? लैम शेंग किसको कहते हैं? दुम्बे को कहते हैं ना। दुम्बे को शेंग किसको कहते हैं? शेंग ये जो है ना पट, दुम्बे का पट। ये दुम्बे का पट है जी, देख ले। अभी मैं आया था नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज़ पढ़ के अब मैं वापस जा रहा हूँ। पहले आपने देखा है कि किचन में किस तरह पीक टाइम था, मैंने आपके साथ क्लिप्स शेयर किए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वापस, मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। अभी वहाँ पे जो काम होगा ना, जितनी अब रश काम होगी वैसे थोड़ी, लेकिन अब जो काम होगा वो मैं जाकर रिकॉर्ड करता हूँ और मैं साथ अटैच करता हूँ। तो आप व्लॉग साथ साथ लाजमी देखते रहें, कमेंट करके लाजमी बताएँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। सुनाओ जी, सारे बर्तन धोने हो तो सही कैसा लगने? बहुत मजा आ रहा है यार। ये तो बहुत ज्यादा, ये तो कुड़ियां थक चुकी हैं। तो कितने घंटे हो गए धोने पे? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए, कितनी देर तक? तो सुबह 12 बजे तक। 12 बजे तक साढ़े 8 हो गए, राती 12 बजे तक धोने रहे। थकन नहीं लगी इतनी ज्यादा? धो गए तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो कमेंट में लाजमी बता दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।